हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम स्ट्रिंग से संबंधित फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट टॉपिक में हमने स्ट्रिंग के बारे में देखा था कि स्ट्रिंग क्या होती है। तो यहाँ पे दो चीज़ें आपको क्लियर करना चाहूँगा। इससे पहले जो ये ब्रैकेट होता है, बड़ा ब्रैकेट, इसके पहले जो भी नाम लिखा हो, मान लो AR, तो ये क्या हो गया, एक एरे हो गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर यहाँ पर छोटा ब्रैकेट है तो जिस भी नाम से पहले ये छोटा ब्रैकेट लगा हो तो वो नाम या फिर क्या हो गया, एक फंक्शन हो गया, मेथड हो गया। तो जैसे अगर ये है तो ये क्या है, एक एरे है, ये एक फंक्शन है। तो स्ट्रिंग की परिभाषा थी, कल मैं लिखना भूल गया था, कि स्ट्रिंग कैरेक्टर्स का समूह होता है। स्ट्रिंग एक डायमेंशनल एरे होता है जिसमें सिर्फ कैरेक्टर होते हैं, तथा स्ट्रिंग का आखिरी कैरेक्टर नल कैरेक्टर होता है। नल कैरेक्टर यानी इस कैरेक्टर को हम नल कैरेक्टर बोलते हैं। मान लो अगर कोई आपने स्ट्रिंग डिक्लेयर की है नेम टाइप की, इस साइज आपने दिया हो 10, तो ये क्या है, नल कैरेक्टर। हर एक स्ट्रिंग एक नल कैरेक्टर के द्वारा एंड होगा यदि वह कैरेक्टर एरे के द्वारा बनाया गया है। तो वहां पे हमें नल कैरेक्टर एक्सप्लिसिटली लिखना पड़ेगा, और अगर वो स्ट्रिंग लिटरल्स के द्वारा बना है स्ट्रिंग, तो वहां पे हमें लिखने की जरूरत नहीं, कंपाइलर खुद से ऐड करेगा। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग से संबंधित फंक्शंस। तो सी भाषा में स्ट्रिंग्स को एक कैरेक्टर्स के वन डायमेंशनल एरे के रूप में परिभाषित किया गया है, ये आपको पता जा चुका है। सी प्रोग्रामिंग में स्ट्रिंग से संबंधित सभी फंक्शंस string.h नामक लाइब्रेरी फाइल में डिफाइंड होती है, तथा इन फंक्शंस को प्रोग्राम में यूज करने के लिए string.h हेडर फाइल को इंक्लूड करना होता है अपनी फाइल में। जैसे जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो हम एक फाइल इंक्लूड करते हैं studio.h। इस फाइल के अंदर इनपुट आउटपुट से संबंधित सभी फंक्शंस होते हैं जिनका यूज हमें प्रोग्राम में करना होता है, यूजर्स को इनपुट देने के लिए, यूजर द्वारा कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए, या फिर यूजर को आउटपुट प्रदान करने के लिए। तो सेम इसी तरीके ये जो होती है एक हेडर फाइल होती है, कैसे पता हमें, क्योंकि इसका एक्सटेंशन .h है, .h मतलब हेडर फाइल। तो इसी तरीके से जब हम स्ट्रिंग से संबंधित फंक्शंस को यूज करना होता है तो सी के अंदर जो लाइब्रेरी होती है उसमें एक हेडर फाइल होती है string.h नाम की एक हेडर फाइल होती है। तो जब भी हमें प्रोग्राम में स्ट्रिंग से संबंधित किसी फंक्शंस को यूज करना होता है तो हम क्या करते हैं, वो भी प्री डिफाइंड, मतलब कि पहले से बनाए हुए फंक्शन, इनको हमें अपने द्वारा बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, केवल हम इन्हें इस्तेमाल करते हैं। तो उस फंक्शंस को यूज करने के लिए हमें इस हेडर फाइल को अपनी प्रोग्राम में इंक्लूड करना होगा, जिसे हम बोलते हैं string.h। तो कुछ फंक्शंस हैं बेसिक जिसमें हमें कुछ फंक्शंस के बारे में पढ़ना है। तो पहला है एक फंक्शन strlength, इसे हम स्ट्रिंग लेंथ के नाम से पढ़ते हैं, str मतलब स्ट्रिंग, len मतलब लेंथ। तो इस फंक्शंस के द्वारा स्ट्रिंग की लेंथ ज्ञात की जाती है, मतलब कि एक आपका कोई स्ट्रिंग है मान लो ये, तो इसकी लेंथ कितनी होगी 5, तो ये कैलकुलेट करके बताता है स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन strlen फंक्शन, जो कि string.h नामक लाइब्रेरी फाइल में पहले से ही डिफाइंड है। इसका सिंटेक्स, तो इस फंक्शन का यूज हम स्ट्रिंग की लेंथ निकालने के लिए करते हैं। इसका सिंटेक्स है, कैसे इसको यूज करेंगे, तो str len और ब्रैकेट में हम उस स्ट्रिंग का नाम देंगे जिसका हमें लेंथ निकालना है। तो मान लेते हैं यहाँ पे हम स्ट्रिंग का नाम हमने दिया स्ट्रिंग 1, हमें इसका लेंथ कैलकुलेट करना है। और जो ये फंक्शन रिटर्न करता है वो इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, इंटीजर मतलब कि फंक्शन के जितने भी कैरेक्टर्स होंगे उनको काउंट करके स्ट्रिंग लेंथ बेसिकली करता क्या कि किसी भी स्ट्रिंग में जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं उनको काउंट करके रिटर्न करता है। तो क्या होंगे, एक इंटीजर वैल्यू, इंटीजर मतलब कोई नंबर होगा, तो इसकी वैल्यू क्या रिटर्न होगी 5, और इस वैल्यू को हम किसी अन्य वेरिएबल को भी असाइन कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमने कोई एक वेरिएबल बनाया लेंथ नाम का,
तो हम उसमें ये वैल्यू असाइन कर सकते हैं जो भी हमें रिटर्न मिले इस फंक्शन के द्वारा। तो एक प्रोग्राम के द्वारा हम देखते हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, मतलब कैसे समझेंगे, कैसे यूज करेंगे अपने प्रोग्राम में। तो सबसे पहले हमें हेडर फाइल लिखनी पड़ेगी studio.h, इसके अंदर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन है। string.h यहाँ से हमारा मेन मेथड स्टार्ट होगा। इसके अंदर हमें एक एरे कैरेक्टर एरे का यूज करके हम यहाँ पे स्ट्रिंग बना रहे हैं। तो हमें एक कैरेक्टर एरे डिक्लेयर करनी पड़ेगी, इसका नाम हमने नेम दिया हुआ है और इसे हम कोई वैल्यू असाइन कर रहे हैं। एक हमने इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया लेंथ, जिसमें कि हम इस फंक्शन की इस स्ट्रिंग की लेंथ को काउंट करके स्टोर करेंगे। हम स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए जो स्ट्रिंग एक्सेस स्पेसिफायर या फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं वो होता है परसेंटेज एस। जैसे हम इंटीजर वैल्यू प्रिंट करने के लिए परसेंटेज डी और फ्लोट वैल्यू के लिए परसेंटेज एफ यूज करते हैं, उसी तरीके से जब स्ट्रिंग प्रिंट कराना होता है तो हम परसेंटेज एस का यूज करते हैं। ठीक, तो ये फॉर्मेट्स बताता है कि कौन सा फॉर्मेट का आपका वैल्यू प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पे एक सिम जो पहले हमारी स्ट्रिंग होगी वो प्रिंट होगी, उसके बाद से हमने क्या किया जो लेंथ वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है उसमें हमने इसकी लेंथ निकाल के दे देंगे। अब इस लेंथ के अंदर इस स्ट्रिंग की वैल्यू स्ट्रिंग की लेंथ आके स्टोर है, उसको हम प्रिंट करा लेंगे प्रिंटर फंक्शन का यूज़ करके। Length of the string यहाँ पे हमने परसेंटेज डी इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे हम स्ट्रिंग प्रिंट नहीं करा रहे हैं, स्ट्रिंग की लेंथ प्रिंट करा रहे हैं जो कि एक इंटीजर वैल्यू होगी, क्योंकि जो हमारा लेंथ है एक इंटीजर वेरिएबल है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग की लेंथ रिटर्न होगी और ये रिटर्न जीरो, इसके बाद हमारा प्रोग्राम समाप्त। तो ये एक था एग्जाम्पल कैसे हम स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन का यूज़ करते हैं str length।